फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दो दिन फिरोजाबाद के कई गांव में जाकर जनता से मिले। आज उन्होंने प्रेस वार्ता पर मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। सबसे अहम बात ये रही कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। उस पर कहा कि इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले भी हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, जो कि दो दिन से ही फिरोजाबाद में रुके हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना, और मीडिया ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी सपा बसपा गठबंधन हो चुका है, जिसका नतीजा क्या निकला था यह सबको पता है। तब भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ा था और अब भी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट। जनहित में हमारी सरकारें, एक नहीं कई सरकारें गई, पूरा अभियान हमारे साथ था। हमसे ही हमारे प्रभाव से परेशान होकर के सपा बसपा ने गठबंधन किया था, और उस गठबंधन के बाद भी हम 176 विधानसभा उत्तर प्रदेश में जीते थे। उस गठबंधन को 172 सीटें मिली थी। तत्कालीन राज्यपाल ने बेईमानी न की होती तो सरकार कल्याण सीटी बनती, सबसे बड़ा दल हम थे। लेकिन फिर भी वह गठबंधन की आयु मात्र 2 रही। 1995 में गठबंधन टूट गया और बुरी तरह से टूटा, कोई कर्म बाकी नहीं रहा गठबंधन के आपस में। तो वह गठबंधन आज तो खुद वो दोनों दल हमारी पार्टी के सामने इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो गठबंधन हमें कहीं से प्रभावित नहीं कर पाएगा।